मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पूरे प्रदेश में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह का शुभारंभ किया। इस दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में मौजूद अधिकारियों को सड़क सुरक्षा के लिए कर्तव्य व निष्ठा की शपथ दिलाई। उसके पश्चात कलेक्ट्रेट परिसर से जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने सड़क सुरक्षा के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया, जिसके संबंध में जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने बताया कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जनपद में 21 जनवरी से 20 फरवरी तक चलाया जाएगा, जिसका शुभारंभ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया। उन्होंने बताया कि लोगों में जागरूकता के लिए प्रचार वाहन को रवाना किया गया है, जो कि पूरे जनपद में जाकर लोगों को सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूक करेगा। उन्होंने बताया कि सड़क दुर्घटना का शिकार अधिकतर 18 साल से 30 वर्ष के लोग ही होते हैं, जो कि तेज गति से वाहन चलाने के कारण दुर्घटना का शिकार होते हैं। उन्होंने सभी नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग हेलमेट का प्रयोग कर तथा चार पहिया वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग अवश्य करें। इस अवसर पर SSP जोगेंद्र कुमार, SP ट्रैफिक आशुतोष शुक्ला, संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी श्यामलाल, संभागीय परिवहन अधिकारी प्रवर्तन प्रथम SP श्रीवास्तव, सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी द्वितीय BK सिंह, यात्री कर अधिकारी इरशाद अली सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए संभागीय परिवहन अधिकारी अनीता सिंह व जिलाधिकारी के विजेंद्र पांड्यन ने कहा, जनपद गाजियाबाद का उत्तर प्रदेश राज्य में हमारी सड़क दुर्घटनाओं से संबंधित राज्य एवं जनपद स्तरीय आंकड़ों के संकलन और उनके विश्लेषण हेतु ये डैशबोर्ड तैयार किया जाता है। मृत और घायलों की संख्या तथा विभिन्न प्रकार के सड़क मार्गों, वाहनों के सापेक्ष हुई जो घटनाएं घटित होती हैं, वाहनों की क्या आयाएं हैं, आपका जो कोल्ड स्टोरेज बन गया, क्या सांसर बन गया है, बस हमने स्टार्ट कर लिया है। कल भी कुछ ऑयल मिला है आपको? कल मिला है 8,000। हाँ जी, वो कहाँ स्टोर कर रहे हैं? तो 8,000 आया सर, जा रहा है। और आप सभी से अनुरोध है, ऐसे ही परम आदरणीय चले माननीय मुख्यमंत्री कार्यक्रम अपने स्थान पर स्वागत, नमस्कार, शुभ प्रभात और नव वर्ष की वीरों बधाइयां शुभकामनाओं के साथ हमारी परिवहन विभाग द्वारा आयोजित हमारे मैं डॉक्टर नमिता सैगल सिन्हा हार्दिक अभिनंदन वंदन स्वागत करती हूँ। और जैसा कि हम सभी जानते हैं, हमारा ये सड़क सुरक्षा माह जिसे की अपनी सातवां व्यक्ति उत्तर प्रदेश का होता है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस विषय पर बेहद संवेदनशील और गंभीर हैं। उनके द्वारा समय समय पर सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाते हुए मृतकों में घायल व्यक्तियों की संख्या में कमी लाए जाने के इस पर निर्देश दिए जाते रहे हैं, उसका शुभारंभ करें। और ये 1 से 1.5 मिनट ये डैशबोर्ड महोदय के कार्यक्रम के माध्यम से किया जाएगा। यह नामकरण धीरे धीरे हटता एक बार जोरदार तालियों के माध्यम से, जिसमें ही हमारी 13 लोकार्पण हेतु, 15 लोकार्पण हेतु परियोजनाएं हैं और 5 शिलान्यास। हमारी कुल लागत 55 से परम आदरणीय सदस्य माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से अपने कमलों से हमारे सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता हमारे लिए कितनी महत्वपूर्ण है, हम इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। जब प्रतिदिन सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों के आंकड़े हम सबके सामने आते हैं, एक अनुमान के अनुसार प्रतिदिन 65 मौतें सड़क दुर्घटना में होती है। और अगर पूरे प्रदेश के वर्ष भर के सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली मौतों के आंकड़ों को हम देखेंगे, ये आंकड़ा बहुत बड़ा होता है। मौत के आंकड़ों को सड़क दुर्घटनाओं को कम करके रोका जा सकता है, काफी नियंत्रित किया जा सकता है, तमाम परिवारों को उजड़ने से बचाया जा सकता है,
तमाम बच्चों को अनाथ होने से भी रोका जा सकता है। बस थोड़ा प्रयास हर एक स्तर पर होना है और उस थोड़े प्रयास के लिए ही अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से सड़क सुरक्षा का यह माह आज से प्रारंभ हो रहा है। 20 फरवरी 2021 तक अनवरत अलग अलग कार्यक्रमों के साथ न केवल राजधानी लखनऊ में बल्कि प्रदेश के प्रत्येक जनपद में इन कार्यक्रमों का आयोजन होगा। अंतर विभागीय समन्वय इस पूरे कार्यक्रम में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सड़क सुरक्षा को रोकने का काम केवल ट्रैफिक पुलिस का काम नहीं है, ये केवल पुलिस विभाग या परिवहन विभाग तक ही सीमित नहीं है। इसमें सड़क से जुड़े हुए विभाग भी भागीदार हैं, स्वास्थ्य और चिकित्सा शिक्षा से जुड़े हुए विभाग भी इसके साथ सहभागी हैं। स्कूल और कॉलेजेस में जागरूकता का एक विशेष अभियान चले, यह भी इसके लिए महत्वपूर्ण है। और साथ साथ हर चौराहे पर पब्लिक एड्रेस सिस्टम के माध्यम से जागरूकता का हम विशेष कार्यक्रम प्रारंभ कर सके। महत्वपूर्ण स्थानों पर भी कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाना चाहिए। आप सबसे बनाएंगे, हम प्रतिज्ञा करते हैं कि हम सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए अपनी ओर से पूरा प्रयास करेंगे तथा दुपहिया वाहन चलाते समय हमेशा हेलमेट पहनेंगे, कभी भी शराब पीकर गाड़ी नहीं चलाएंगे। कार चलाते समय हमेशा सीट बेल्ट पहनेंगे। वाहन चलाते समय कभी भी मोबाइल फोन पर बात नहीं करेंगे तथा न कोई मैसेज भेजेंगे और न देखेंगे। हमेशा ट्रैफिक नियमों का पालन करेंगे तथा अपने परिजनों से पालन कराएंगे। सड़क दुर्घटना पीड़ितों की मदद करने हेतु सदैव तत्पर रहेंगे। भारत माता की जय। मुख्यमंत्री महोदय जी अपने कर कमलों से ये प्रण, इसके पश्चात हमारे एनएचआई की बाइक, सबसे महत्वपूर्ण बात हमारी इन्वेटर सर वेरिकल की सेफ ड्राइविंग। अक्सर कोरोना महामारी एवं बस सवार सभी लोग सीट बेल्ट अवश्य बांधें। वाहन चलाते समय मोबाइल फोन एवं ईयरफोन का प्रयोग ना करें। वाहन यात संकेत एवं नियमों का पालन करें। दुर्घटना से स्वयं बचें और दूसरों को भी बचाएं। ओवरटेक करते समय विशेष सावधानी बरतें। जहाँ नारी सम्मान बनता है वह देश महान। सुंदर समाज देश की भूषण है नारियाँ, ममता मई व्यवहार की मूर्त है नारियाँ। इनके चार रूप है माता बेटियाँ। महिला अबला नहीं सबला है, जीवन कैसे जीना है ये उनका फैसला है। आज जो है माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के द्वारा लखनऊ में सड़क सुरक्षा माह जो परिवहन विभाग द्वारा आयोजित किया जा रहा है 20 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक, 21 जनवरी से 20 फरवरी तक, उसका उद्घाटन माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया गया था। और आज जो है हमारे गोरखपुर में हम माननीय जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हम लोगों ने ये प्रोग्राम वर्चुअल यहाँ पे ऑनलाइन ज्वाइन किया है। सारे प्रोग्राम्स हम लोगों ने इसमें सड़क सुरक्षा संबंधी शपथ भी लिया गया है और बाद में जिलाधिकारी महोदय और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा हमारे प्रचार वाहन को यहाँ से हरी झंडी दिखा के आगे बढ़ाया गया है ताकि ये सड़क सुरक्षा संबंधी नियमों से जनता को जागरूक किया जा सके। पूरे माह ये वाहन हर जगह जाके जनता गोरखपुर की जनता को जागरूक करेगी। देखिए आप सब जानते हैं आज 21 जनवरी से माननीय मुख्यमंत्री जी ने सड़क सुरक्षा महीना
के प्रारंभ किए हैं कि पूरे महीने चलेंगे, यानी जो आज से लेकर के तो फिर अगले महीने फरवरी 20 तक चलेगा। इस पर लगातार सभी विभाग का कोऑर्डिनेशन रहेगा। खास तौर पर सड़क दुर्घटना रोकना भले पुलिस का काम होगा, नहीं तो परिवहन विभाग का काम होगा, बट उस पर सभी विभाग का भूमिका रहता है। खास तौर पर रोड इंजीनियरिंग में PWD विभाग का है और मेडिकल विभाग का है उसका बचाने में, और बाकी तमाम विभाग है, मान लीजिए तो शिक्षा विभाग है, स्वास्थ्य विभाग है, सभी लोगों को भूमिका रहा। वो सभी लोग का माननीय मुख्यमंत्री जी ने सुबह शपथ दिलाए हैं। आज हम लोग पहला कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से प्रारंभ हुआ है, उसके बाद रोज़ एक न एक कार्यक्रम विभिन्न विभाग सम्मिलित करते हुए हम लोग शुरू करेंगे। पहले सप्ताह उसको खासतौर पर जो अभियान हम लोग को जागरूकता कराने के लिए रहेगा, दूसरा तीसरा अभियान आगे इसी जनपद का जो एक सुरक्षा प्लान बनेगा उसे कैसे एग्जीक्यूट करेंगे, कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, सुरक्षा से कैसे, सड़क सुरक्षा से विभिन्न लोगों के जान कैसे बचा सकता है, उसी के बारे में हम लोग प्लानिंग करेंगे, फिर आगे इम्प्लीमेंट कराएंगे। ये इसका अभियान का माननीय मंत्री जी ने सुबह प्रारंभ किया।